हर तरह की सीख दी गई, हर तरह की बातें बताई गई, कभी कभी दुख का वर्णन उन्होंने किया है। उस दुख में सुख कैसे आता है इसे भी समझाया है और ये बताया है कि जीने के लिए दुख का होना भी जरूरी है। जैसे इस दोहे में कहा गया है, यही आस अट क्यों जड़ है वो इसी आश्रय में अटकी रहती है, सूखती भी नहीं, मुरझाती भी नहीं। क्या उम्मीद है उसे? वे वे की जड़ मुरझाती नहीं, सूखती नहीं, धरती में जमी रहती है कि फिर वसंत ऋतु का आना होगा और गुलाब की सूखी हुई डालियों में एक बार फिर से लाल फूल खिलेंगे। कभी भी आशा को अपने से छोड़ना नहीं है, कभी भी निराशा का दामन नहीं पकड़ना है। हम जीवन में असफल होते हैं, कई बार मौके खा के गिरते हैं, लेकिन उस गिरने से घबराना नहीं है, क्योंकि उसी गिरने में हमारी ऊंचाई छुपी हुई है। जैसे गुलाब की जड़ सूखती नहीं, वो इंतजार करती है, बसंत ऋतु का इंतजार करती है कि बसंत के आने के बाद फिर इन जो सूखी हुई डालियां हैं उनमें गुलाब के फूल लगेंगे। यही उम्मीद है, यही आशा है। Darana vipu, in darana vipu.